अम्बा, एक ऐसी लड़की जिसने बहुत सारा संघर्ष किया, बनना चाहती थी आईएएस लेकिन बन गई विधायक। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो है बेहद खास। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया पर हम उन तमाम लोगों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जो कि अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष कर चुकी हैं। तो ऐसी ही संघर्ष की गाथा लिखती एक महिला जनप्रतिनिधि की हम बात करने जा रहे हैं जो हैं अम्बा प्रसाद। माँ तड़ीपार, माँ को गांव बदर कर दिया गया है, अब वो उस गांव में नहीं रहती जहां अम्बा रहती है। अम्बा भी आईएएस बनना चाहती थी और वो दिल्ली में पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन घर के हालात ऐसे हो गए कि अम्बा को अपने सपनों को ताक पर रखना पड़ा और खुद चली गई। अम्बा ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, अम्बा ने वकालत भी की है और उसी वकालत के दम पर उन्होंने अपने भाई को जेल से छुड़ा लिया। अम्बा किस तरीके से अपने जीवन में बहुत सारी सफलताओं को हासिल कर रही हैं और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो बकायदा उसी क्षेत्र में जीत गई। अभी अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर अम्बा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और ये जीत बहुत बड़ी है। इस जीत को जब आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई भी लड़की कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है। कर सकता है कोई भी इंसान जब उसके पास हो जन समूह, बहुत सारे अथाह लोग जो उन्हें बहुत प्यार करें। कर सकता है इंसान जब उसमें जज्बा हो। अम्बा ने वो कर दिखाया क्योंकि पिता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और माँ को गांव बदर कर दिया गया था। माँ अब उनकी तड़ीपार हैं और पिता जेल में हैं और बेटी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जनप्रतिनिधि बन गई हैं और बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में वो अभी फिलहाल काम कर रही हैं क्योंकि वहाँ की जनता ने उन्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार दिया है। अम्बा की जिंदगी की क्या है कहानी, देखिए हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट में। अम्बा प्रसाद, माँ तड़ीपार, पिता जेल में, फिर भी विधायक बन गई अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद ने बहुत मेहनत की है। अम्बा प्रसाद अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को पार करते हुए आज आगे बढ़ रही हैं, लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और उनके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि वो संघर्षों को देख चुकी हैं अपने माता पिता के। जी हाँ, उनके माता पिता ने जिस तरीके से संघर्ष किया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगातार अम्बा प्रसाद को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो कई बार दिल्ली जाकर राहुल से भी मिली। जी हाँ, राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उनकी कुछ मुश्किलें कम होती नजर आई। विधायक अम्बा प्रसाद को मौका मिला आगे बढ़ने का। विधायक अम्बा प्रसाद के रास्ते प्रशस्त हुए। दरअसल अम्बा प्रसाद अपने पिता को रिहा करवाना चाहती थी, अपने भाई को रिहा करवाना चाहती थी, इसलिए वो बार बार कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात के लिए जाया करती थी। इस बीच उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई और राहुल गांधी ने रास्ता बताया। वो अपने गांव आई और बड़का गांव आने के बाद इन्होंने वकालत शुरू की और उसके बाद फिर लोगों को एकजुट किया और जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अपनी दावेदारी पेश करते हुए जब उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला तो वो आगे बढ़ी और जीत कर दिखाया। इसके बाद ये भी खबर आई कि वो अब मंत्री परिषद में जगह पा जाएंगी और शिक्षा मंत्री बन जाएंगी, लेकिन इस पर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया। अम्बा प्रसाद ने कहा कि शिक्षा मंत्री बनाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। अम्बा प्रसाद बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। विधायक अम्बा प्रसाद को शिक्षा मंत्री बनाए जाने की सोशल मीडिया पर चल रही खबर पर विराम लग गया है। अम्बा प्रसाद ने कहा कि शिक्षा मंत्री बनाने की बात में फिलहाल कोई सच्चाई है ही नहीं। झारखंड सरकार ने या कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रालय विस्तार के लिए अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही ना ही उन्हें किसी विभाग का मंत्री पद दिया गया है, इसलिए सोशल मीडिया में ये वायरल खबर तथ्य से परे है और इसका वो खंडन करती हैं। बता दें कि अम्बा प्रसाद बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। झारखंड विधानसभा के स्पेशल सत्र के पहले दिन उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव कर पहुंची और खुद सुर्खियां बटोरी। इस दौरान उन्होंने अपने साथ वाली सीट पर अपने दादा लक्ष्मण साहू को बिठाया हुआ था। विधानसभा परिसर में अंदर जाने से पहले वो अपने दादा से गले मिली और विधानसभा के सत्र में भाग लेने अंदर गईं। अम्बा प्रसाद कांग्रेस विधायक हैं, वो पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की पुत्री हैं। उनकी मां निर्मला देवी भी विधायक रह चुकी हैं। अपने दादा लक्ष्मण साहू से गले मिली और उनका जी भर आया।
जी भर के वो अपने दादा के गले लग कर रोई और अंबा प्रसाद को अपनी माँ की याद आ गई। लेकिन दादा है ना, माँ और पिता की कमियों को पूरा करने के लिए सब लोग देखते रह गए। यही तो खासियत है अंबा प्रसाद की। अंबा प्रसाद ने जीवन में वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अंबा प्रसाद ने वो अपने क्षेत्र के लिए करने की ठान ली है जो अब तक किसी ने नहीं किया है। अंबा प्रसाद साड़ी पहनकर जब निकली तो लोग देखते रह गए। अंबा प्रसाद के जीवन में खुशियां अब शायद लौट आए और कुछ हो उनके पिता का, क्योंकि उनके पिता फिलहाल जेल में हैं और माँ तड़ी पार। माँ ने एक आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मतलब गांव बदर कर दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया। लेकिन अंबा प्रसाद ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और जीत कर ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। अंबा प्रसाद ने ये साबित कर दिया कि उड़ान हौसलों की होती है और हमेशा हौसले ही जीतते हैं। अंबा प्रसाद जब चुनावी मैदान में आई थी तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि पिता और भाई जो हैं उन्होंने जो किया उससे कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन लोगों ने इतना अथाह प्यार दिया अंबा प्रसाद को कि अंबा प्रसाद ने ये साबित कर दिया कि जीत तो होती ही है। सबसे कम उम्र की झारखंड की ये विधायक बनी हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। वकील हैं अंबा प्रसाद, इसके अलावा आईएएस बनना चाहती थी अंबा प्रसाद और उनकी माँ का भी सपना था कि वो एक बहुत बड़ी आईएएस बने, लेकिन फिलहाल बोझ इतना ज़्यादा हुआ कि वो विधायक बन गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे सपने कुछ और देखे थे और पा लिया कुछ और। ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो विधायक बनेंगी, लेकिन जब विधायक बन गई तो अपने तमाम जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। अंबा प्रसाद ने अपनी बातों को दिल से कहा कि वो जो काम मिला है उसे अच्छे से निभाएंगी, लोगों के साथ रहेंगी और लोगों के हर दुख सुख में साथ निभाएंगी। मिट्टी के चूल्हे पर आज भी अंबा प्रसाद खाना बनाती हैं। जब आप ये तस्वीरें देखेंगे कि अपने दादी के साथ बैठकर वो घर के चूल्हे पर जो मिट्टी का चूल्हा है उसमें खाना पकाती हैं, अपने तमाम समर्थकों को पूहे बनाकर पकौड़ियाँ बनाकर खिलाती हुई भी नज़र आई थी, तो अंबा प्रसाद की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसलिए शायद जनता ने इस मिट्टी से जुड़ी नेता को चुना है और अपने दिल में जगह दी है। देखने वाली बात होगी कि अंबा प्रसाद को क्या वो प्रसिद्धि और वो पोजीशन मिल पाती है जिसकी वो लायक हैं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया पर दीजिए ढेर सारी प्रतिक्रिया, ढेर सारे सुझाव और ढेर सारे कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। अंबा के जीवन की शुरुआत कैसे हुई, अंबा किस तरीके से अपने जीवन में बहुत सारा उत्साह लेकर आगे बढ़ रही थी, ये सब हमने आपको दिखा दिया। अब अंबा क्या करेंगे, किस तरीके से अंबा के साथ बहुत सारी चीज़ें होनी है अभी, क्योंकि अंबा को कहा जा रहा था कि वो शिक्षा मंत्री बनेंगी लेकिन वो बन नहीं पाई। उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया कि मंत्री परिषद में जगह की बात नहीं है, मुझे लोगों ने जनता ने चुना है, मैं जीत गई, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आभारी हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अंबा मंत्री बनेंगी, ये उम्मीद जताई जा रही थी और जिस तरीके की पढ़ाई की है अंबा ने, ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें शिक्षा विभाग दे दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे अंबा आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने पहले पढ़ाई शुरू की बरका गांव में, बहुत सारे जगहों पर भी गई पढ़ने के लिए, इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ दिनों तक उन्होंने पढ़ाई की, आईएएस की तैयारी की, लेकिन ये सपना तो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो विधायक बनेंगी, जैसा कि हमने आपको उनकी पूरी कहानी में बताने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो एक जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी। दर्द इस बात का कि माँ भी कभी सोची थी कि जो बरका गांव है उसको बेहतर बनाएंगे, लेकिन एक आंदोलन हुआ था कफन आंदोलन, उस आंदोलन में उनकी माँ चली गई और माँ के जाने के बाद जब उसमें गोलीबारी हुई तो कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद फिर सरकार ने उनकी माँ को तड़ीपार कर दिया। अब ऐसे में भाई भी उसी मामले में फंस चुका था और पिता भी फंस चुके थे, तो पिता और भाई तो जेल चले गए, तो भाई को तो उन्होंने बचा लिया लेकिन पिता अब भी जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन माँ तरिपार है और अंबा गांव की तमाम जनता को संभाल रही है। आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है अंबा, भले विधायक बन गई लेकिन अंबा का जीवन और उनकी जीवन शैली जब आप देख रहे हैं तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कैसे मिट्टी से जुड़ी हुई एक महिला है
और कैसे बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जीवन में अपने ज़मीनी जो काम होते हैं उसे नहीं छोड़ा है। तो जो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं, वो हमेशा जीतते हैं, उन्हें दुनिया जिताती है। तो अम्बा की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। ये अम्बा, अम्बा प्रसाद, जिन्होंने जीवन में बहुत सारी कामयाबी हासिल की, इस कामयाबी को आप किस तरीके से देखते हैं? अम्बा ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की गाथा आपको कैसी लगी? बहुत सारे कमेंट करें, बहुत सारे सुझाव दें। देखें नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।